यमकेश्वर के बल्ली से 4 दिन पहले एक 22 वर्षीय लड़की की लापता होने की खबर है, जहां लड़की के परिवार वाले इस घटना से दहशत में हैं। काफी खोजबीन के बाद से जब लड़की का कोई पता नहीं चला तो स्थानीय पटवारी को इस बाबत जानकारी दी गई है, जिस पर पटवारी के द्वारा FIR लिखी गई। दरअसल ये पूरा मामला पौड़ी के यमकेश्वर बल्ली का है, जहाँ पर मामले की जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय ममता अपने भाई के साथ घर से निकली, जहाँ भाई कोटद्वार के लिए निकला तो वहीं ममता समीप गांव के बल्ली स्थित एक बैंक में रुकी, जहां से वो लापता हो गई है। लापता की जानकारी तब लगी जब शाम को लड़की का भाई घर पहुंचा, लेकिन अपनी बहन को घर पर ना पाकर खोजबीन की। काफी खोजबीन के बाद भी लड़की का कोई पता नहीं चला है। उत्तराखंड मानव तस्करी के मामले में और विशेष करके महिलाओं की तस्करी के मामले में आज प्रथम स्थान पर है, और अभी 4 महीने पहले जिस प्रकार से अंकिता हत्याकांड हुआ है और उस प्रकार से एक लड़की 6 दिन पूर्व यहां से लापता है और 6 दिन में अभी तक शासन प्रशासन यहां पर सोया हुआ है। 6 दिन के अंदर प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रेंगी या कोई कार्यवाही प्रशासन की अभी तक दिखाई नहीं दी है, और मैं हिंदू युवा वाहिनी की ओर से प्रशासन को सिर्फ 24 घंटे का समय देता हूं। 11 तारीख को सिस्टर गायब है हमारी, वो आई थी बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक बल्ली। उसके बाद मेरा भाई भी आया था, भाई कोटद्वार आ गया था बाजार, और वो अपने बैंक का काम करवाने बल्ली गई थी। उसके बाद भाई के पास फोन ऑन आया होगा, तो इसके बाद हुआ 3 कॉल करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ आ गया था। फिर उसके बाद ये भाई शाम को घर पहुंचा, वो घर पे मिली नहीं। 11 तारीख रात में इन्होंने ढूंढा इधर उधर गांव में, रिश्तेदारी में फोन करके पता किया, कहीं पता नहीं चला। तो इसके संबंध में गुमशुदगी इसमें दर्ज की जा चुकी है, सेक्शन IPC 365 में दर्ज भी हुआ है, और मामले में इसको उसकी हस्तर होकर भेजा भी गया है। इसमें राजस्व पुलिस की ओर से जाँच की जा रही है, मैंने खुद भी संज्ञान में ले लिया है और इसको हम तुरंत कार्रवाई करते हैं।